ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। उन्होंने बादल परिवार से निशाना बिन्नदिआं कहा कि बादल परिवार आम लोगों को कुर्बानियों लिए प्रेरित करता रहा है ते खुद हुण फरीदकोट अदालत तक जाण नूं तैयार नहीं हन। उन्होंने कहा कि असीं बेदबीआं दे दोषियों को सज़ा दिवाउण लई SIT नूं पूरी खुल दे दित्ती है। SIT बिना किसी दबाव तो अपना काम कर रही है। मान ने आख्या कि पिछलियां सरकारां ने ना कोई कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी ते ना कोई सड़क बनाई, फिर पता नहीं खजाना किवें खाली हो जाता है। उन्होंने कहा कि असीं बजट विच कोई नवां टैक्स नहीं लगाया ते लोकां नूं सहूलतां भी दित्तियां हन ते बजट विच वाधा भी कर रहे हां। उन्होंने कहा कि सरकार दी नीयत साफ ते असीं लोकां दे यकीन ते पूरे उतरांगे। आम आदमी पार्टी दी सरकार दा 1 साल पूरा होण तो 1 दिन पहलां बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों 5 मंत्रियों की विभागों में बदलाव किए जाने के बाद हुण 3 होर मंत्रियों का विभाग बदलने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों मुताबिक सारे मंत्रियों के 1 साल के कामों की समीक्षा होगी। इस विच पता लगाया जाएगा कि मंत्रियों ने अपने विभागों में कौन-कौन काम किए हैं, जनता को इस नाल कितना लाभ मिला है, कि उन्होंने अजे तक वख-वख योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है या नहीं। इस दे नाल यह भी देखा जाएगा कि चोण ऐलान पत्र अनुसार जे संबंधित मंत्रियों ने विभाग नाल कोई वादा सी तां कि उसनू पूरा किया गया है, उसका लाभ सारे जिले नू मिल रहा है जां नहीं। इस मुलांकण विच उन्हां दा लोक प्रति वतीरा भी वेख्या जाएगा कि मंत्री बनन नाल उन्हां दे वतीरे विच बदलाव तां नहीं आया। मंत्री लोकां नाल मिलनसार हन जां नहीं, उन्हां दा अफसरां नाल सही तालमेल है जां नहीं, इन्हां सारियां गल्लां दा मुलांकण मुख्यमंत्री भगवंत मान करनगे। इस तों बाद ही कोई अगला फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल नूं रिहा हो सकदे हन। पूरी सज़ा दौरान कोई छुट्टी ना लैण दा सिद्धू नूं फायदा मिल सकता है। इस तों पहलां 26 जनवरी 2023 नूं उन्हां दे रिहा होण दी आस जगी सी, पर कैबिनेट नूं भेजी गई फाइल विच उन्हां दा ना होण दी वजह नाल उन्हां दी रिहाई संभव ना हो सकी। सिद्धू 20 मई 2022 नूं जेल विच गए सन, पर उन्हां दी रिहाई लई 19 मई 2023 तक दा इंतजार नहीं करना होवेगा। उन्होंने पूरे साल अपनी सज़ा दौरान कोई छुट्टी नहीं ली, जिसके चलते हफ्ते से होर सरकारी छुट्टियां नूं कट दिता जाए तो अनुमान है कि वह 1 अप्रैल नूं बाहर आ सकते हैं। माहिर मुताबिक NDPS ते संगीन जुर्मा तो इलावा 1 महीने विच सौंपे गए काम की प्रगति ते कैदियों के व्यवहार के आधार से 4 तों 5 दिन की छूट दी जाती है। इस तों इलावा कुछ सरकारी छुट्टियों का फायदा भी कैदी नूं मिलता है। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी सज़ा दौरान 1 बार भी छुट्टी नहीं मंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार नूं बनिया पंजाब विच 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके ते मान सरकार ने पंजाब दे लोकां नूं इक होर वड्डी राह दिंदे हुए सूबे दीआं 4 सड़कां नूं आउण जाण वालिआं लई टोल फ्री कर दित्ता है। इस दे नाल ही सूबे भर विच 509 करोड़ रुपए की लागत नाल 3571 किलोमीटर लिंक सड़कां की मुरम्मत ते विशेष मुरम्मत की गई है। इन्हां टोल प्लाजा दे ठेके की सीमा खत्म हो चुकी है, पर कंपनियां इस नूं वधाउण लई कई तरह के हथकंडे वरत रहीआं सन। पंजाबी ने ही तां मुख रखदिआं सूबा सरकार ने इन्हां टोल प्लाजा नूं तुरंत प्रभाव नाल बंद करन दा फैसला किया है। इस तों इलावा आउण वाले दिनां विच अजिहे होर टोल प्लाजे बंद कर दिते जाणगे, क्योंकि सूबा सरकार पहलां ही अजिहे सारे डिफाल्टरां दी सूची तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब दी आप सरकार लोकां नूं इस बोझ तों मुक्त करवाउण लई हर संभव कदम चुकेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सूबे की सरकारी स्कूली शिक्षा को म्यारी बनाने की दिशा में किए जा रहे यत्नों तहत स्कूल की इमारतों को सुंदर बनाने और मुरम्मत से सांभ संभाल 40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह प्रगटावा शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने किया है। बैंस ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने पहले दिन तो ही सरकारी स्कूलों की दिख में सुधारण लई यत्नशील है। शिक्षा मंत्री ने दसा कि बहुत सारे स्कूलों की इमारतों के फर्श छत्तां बिजली फर्नीचर की रिपेयर पेंट लई राशि की रिमांड की जा रही सी। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच अज तो 21 मार्च तक मीह पैण की संभावना प्रगटाई है। पंजाब विच अगले 4 दिनों लई येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD मुताबिक शुक्रवार ते शनिवार को सूबे दीआं कुछ थावां ते 30 तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलनगियां ते मीह भी पवेगा, जदों कि 19 ते 20 मार्च नूं पंजाब दे ज्यादातर हिस्सों विच मौसम दे
मिजाज बिगड़नगे। इसे तरह हरियाणा के 18 जिलों पंचकूला अंबाला यमुनानगर करनाल महेंद्रगढ़ रोहतक सोनीपत पानीपत के हिसार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन थावां ते 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज हवावां चलन की संभावना प्रगटाई गई है। असीं तां पहले साल ही दस रहे हैं कि असीं जिन्नियां गरंटियां दित्तियां सी उच्चों मैक्सीमम गरंटियां जिहड़ियां ने उह पूरियां हो चुकियां ने। गरंटी बिल्कुल बचती है, उह वी पूरी करी पंजाब च नशा जी वेख रहे जी काफी मतलब देखो नशे के अगेंस्ट पहली बार आ कि सब तो वध सिकंजा जो नशे के अगेंस्ट दस्या गया है। सो पंजाब विच बिल्कुल पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउणगे इहदे लई मुहिम जिहड़ी आ साडी सर विजिलेंस दी गल कर लईए विजिलेंस एक्टिव है। दूसरे जिहड़े विरोधी ने उह कह रहे ने कि बदलाखोरी नीति नाल जिहड़ी आप सरकार चल रही। देखो कोई बदलाखोरी नीति नहीं हैगी, इस तां अपने विपक्ष रहे जिन्हां जिहड़े साडिआं ने जेकर करप्शन कीती आ, जेकर साडे किसे व्यक्ति ने करप्शन कीती आ उह वी सलाखां दे पिछे जा रहे ने। जे किसे होर ने कीती आ जिहड़ा भी करप्शन करूगा वह बिल्कुल सलाखां दे पिछे जाऊगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रिष्टाचार के अगेंस्ट उभरी एक लहर चो होया गा। सबनों पता गा कि बहुत वड्डी लहर उभरी सी, उहदे विचों आम आदमी पार्टी का जन्म होया। भ्रिष्टाचार को खत्म करना साडा सब तो वड्डा मोटिव आ। NOC की पॉलिसी लगभग तैयार आ, विद इन 10 डेज जिहड़ा हैगा लगभग 10 या 12 दिन के अंदर वह लागू हो जूगी। और NOC की जी समस्या हैगी जी मानयोग अदालत जी अमृतसर अदालत वालों शुरू की गई सी, हाई कोर्ट वालों ऑर्डर जारी किए गए थे कि पंजाब के अंदर हज़ारा ही इलीगल गैर कानूनी कलोनिया जिहड़ियां बच चुकिया ने जिन्हां विच बेसिक सहूलतां नहीं होंदियां। जिहड़े रसूखदार लोग ने वड्डे वड्डे कलोनिया कट के बेच चले जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर सके पर लेकिन वो सारी समस्या का हल जो है सरदार भगवंत सिंह मान जी के दस दिन तक हो चुके हैं। बड़ी जल्दी जी पॉलिसी और एक्साइज पॉलिसी लेकर ठेकेदार कितना कितने ना खुश है सर, कहते हैं कि सोच रहे थे नवी सरकार नवी पॉलिसी लेके आएगी। नवी पॉलिसी आने के नाल पंजाब के अंदर 45% फर्स्ट पॉलिसी आ कि 45% जो है रेवन्यू का इजाफा होगा। 45% रेवन्यू बढ़ेगा, पहला 6,000 करोड़ के लगभग सगा हूँ बद के 9,000 करोड़ रुपया लगभग होगा क्योंकि लास्ट किस्त आनी बाकी है। पहली पॉलिसी है जिन्होंने असं रिन्यू किया गा और बगैर कोई जी टेंडरिंग प्रक्रिया जी कल शुरू हुई है, अज पहला दिन है, कल 2 दिन जो होर चलनी है टेंडरिंग प्रक्रिया पर। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों ने रिन्यू 70% तो उपर जो पुराने ठेकेदार से और 70% तो उपर ने रिन्यू किया गया। बहुत बड़ी सक्सैस है इस पॉलिसी। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਸ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਤੋ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਠੰਡ ਹੋ। ਸਰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਕੂਲ ਨੋਟ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਧੁਰੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਵਾਂ ਤਮਾਨ ਐਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ ਹਾ ਕੀ ਅਰਜ ਹੈ? ਜਾਇਆ ਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ। 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ MP ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 14 ਤੋਂ 17
अकाली दल की सी 17 तो भाई इन्होंने फिर मेरे विरुद्ध ना कुछ लभ लिया इन्होंने सो जे धूं है तो अग होगी कितना कितने देखो सरकार ने एक तो उन्होंने कहा भी जिम्मे दालों की तेल बीजा की काश्त करो गन्ने की काश्त करो वो वास्ते जो गन्ने की कीमत है वह मान साहब ने सब तो ज़्यादा देश में और बिना किसी एजुटेशन तो बिना किसी धरने तो वधाई उन्होंने किसी कोई स्टेट नहीं दिंदी मूंगी के उत्ते उन्होंने सबसिडी दी जी सीधी बिजाई है वो कल भी मैं खेतीबाड़ी के जोड़ा सर उन्होंने एक मेला लगाते वे जाके आया जड़िया नवी क्रॉप्स आई हैं वह 90 डेज़ मच्योर कर दी पहले वाली 120 या 125 दिन लेंदे से वो काम होगा उन्होंने सीधी बिजाई वास्ते जोड़ा है वह बजट बधाया 125 करोड़ रुपए और मान साहब ने जोड़ा है कि वो सब तो ज़्यादा जोड़ा बजट है वो खेतीबाड़ी में दिता इस बार और वैसे भी वो जो मिलट्स का अभी कोशिश कर रहे हैं कि लोग मिलट्स की जी कल्टीवेशन करें तो बहुत सारे उपराले और जोड़े छप्पड़ा का पानी है वो ठीक करके उन्होंने वाई वास्ते वरत रहे हैं और जिते कितने साढ़े को पॉसीबल है कि नहर का पानी जोड़ा है वो पक्के नाले बना के अंडरग्राउंड पाइप पा के जे पहले कोई जो नाला जो 500 एकड़ लगता तो वो कपैसिटी तकरीबन 2 गुणा हो जाती है उन्होंने 700-800 या 900 एकड़ लगता है तो वो जी बाकी टेक्निक्स है कि जो फसल वो लगाइए जिन्होंने पानी की घट लोड़ पैंती है पल्सेस ऑयल सीड्स और वो मिलट्स जीडिया कि जे मिलट्स खाएंगे लोग जे इस तरह हरिया सब्जियां फलों प्रमोट कर रहे हैं जी आप ये असं जो है ना सरफेस वाटर जो है पीने वास्ते भी तो खेती वास्ते भी यूज़ करना हाँ जी थोड़ी ये 76 करोड़ ना जी बिस्त दुआब हैगी वो लाइनिंग कंप्लीट होगी वो सीवेज कटेगी मतलब जोड़ा पानी है उन्होंने टेल एंड तक पहुँचा तो बहुत सारे अर्जेंट मैटर है जी ये और बहुत जगह पर जो पिंड वाले लोग हैं उन्होंने अभी कोशिश कर रहे हैं जितने कितने जगह हैगी उ वाटर जोड़ा रेन वाटर है उन्होंने स्टोर कर लो सरफेस वाटर यूज़ करिए आप वेयर एवर पॉसीबल आप जमीन चो पानी ना कढ़ीए और एक असी होर इनिशिएटिव यह लिया है भी जिते जिते बारिश का पानी ज़्यादा होंगे ना जी उत्थे रीचार्जिंग वैल्स बनाओ ताकि जो पानी है बारिश का पहला एक्चुअली इदा ही होंदा सीगा जिहड़ा फ्रैश वाटर यूज़ करते जो रीचार्जिंग उही असी हुण नीचे नहीं जाते 400 फुट तो नहीं जाते पहला मैं तो इस जिले का जमया हुआ एग्जाम्पल है मेरा हूँ SBS नगर बन गया बंगे के नाल मेरा पिंड है तो बरसात के साडे जो बोर होंगे उन्होंने पानी वैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाता सू जी बई कहते जी बई के नाल होंगे सके और लोग चावल नहीं बीजते इनू राइस के अंडर एरिया अस घट करा रहे हैं जी भगवंत सिंह बेईमान लड़ाइया मर्दा दी हुंदियां जे परचा देना मेरे ते भावे पांच होर दे दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बेअदबी हुई सी अंक लाने गए सी एक ओहदे बाद संगता कोटपुरे कट्ठिया हुई सड़क चौंक रोकिया उथे सवेरे पुलिस नाल झड़प हुई एक ओ केस तीजा बैरल कला जो पुलिस वापस आ रही थी राह टकराव हो गया तो एक उत्थे डैथ हुई 3 केस जिहड़ा बेअदबी केस है उत्थे आई भगवंत मान ने चलान पेश करता दोषियों ने ना दसते एक भी ना किसी अकाली दल का नहीं किसी वर्कर छोटे छोटे वर्कर का भी नहीं पर हले भी कहे जी बेअदबी अकाली दल ने करे बादल पुरा ने कही है हुण जो कोटपुरे जिसते बादल साहब के उत्ते 307 का साजिश का लाया SDM जिहड़ा हुंदा मजिस्ट्रेट उन्हें लिख के दिता है कि गोली चलाउण दा लाठी चार्ज चलाउण दा और मारण दा ते पानी दी बछारा मारण दा हुक्म मैं कीता है हालात बिगड़ गए मैं कीता है अज तक कोर्ट दे विच हले कहिंदा हले तक कहिंदा विजिलेंस ने कांग्रेस की सरकार ने भगवंत मान ने बड़ा किया जो मुकर जा क्या बादल साहब ने कहता नहीं कोई मैं किया मैं वो है DC ने रात टेलीफोन किया बादल साहब कहते यार किसी को कोई तंग ना करो जो शांति ना तुम सारे बादल साहब का सुभाव जानते हो ईडी जाती हुई सड़क से वह भी गड्डी रोक लेंगे यार ईडी टप्पण दो ते उन्हां ते केस पाउणा इस उम्र दे विच कोई गल नहीं भुलना नहीं असीं किसे नूं केसां दा कोई फर्क नहीं पैंदा तुसीं कहिंदे बादल परिवार नूं तुसीं डरा लोगे जिहड़े बुद्धी दे बजुर्ग ने 16-16 साल जेलां कट्टियां हुण आ की केस की है झूठे ते झूठे केस हुण मैनूं पता लग गया हुण 302 दा वी बादल साहब नूं पाउणा चाहुंदे शर्म करो पर कोई गल नहीं
आ कोई केस की परवाह नहीं है। मेरा बिच पाता कहना सुखबीर सिंह बादल इतने पंजाब है नहीं सी इस करके साजिश है, बंदा है नहीं कहना तो इस करके साजिश है। वह कहना सारे बलेट लो जिम्मे पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बैठा सरकार बनी जिम्मे राज की गल हों घरे बैठे ते उन्हें क्या जोकी चक्कर लगे भी हुण तुसी सदा राज तुसी करोगे। इको एक है जे बादल परिवार खत्म हो जाए ना फिर राज थोड़ा पक्का रहना है। अच्छा कहते फिर परचे दे दिए उन्होंने, याद करो बादल साहब ने परचा देता सी उन्हें। फिर उन्हें क्या एक बंदे ने कहा जी बादल साहब नूं अंदर करता फिर बीबी जी अगे हो जाएंगे, कहते बीबी जी भी दे दो उन्होंने परचा दे दो, मेरी मदर ते मेरी मां ते झूठा परचा देता। होया कि अदालतां ने बरी किया हुण बिक्रम सिंह मजीठिया दे झूठा केस ड्रग्स दा पाता अदालतां ने छित्तर मारे इन्हां दे। आई कवर विजय प्रताप ने इस केस विच झूठा केस पाया, हाई कोर्ट ने उन्होंने जमा छित्तर मारे ते तुसीं देखोगे आ भी जिहड़ी एसआईटी है तुसीं हैरान रह जाओगे। हाई कोर्ट दी आदेश जज की उलंघना की इन्होंने, हाई कोर्ट ने आदेश दिता सी कोई एस आई टी का कोई बंदा सरकार तो आदेश नहीं लूगा। इतने मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे कि असं बादलों को अंदर कहोंगे, वह कौन होंगे उन्होंने की पता जी एस आई टी की कर रही है। उवें ही इन्हों का स्पीकर कह रहे कि 28 तारीख तक चलान देवे, उन्होंने की पता जी क्योंकि आप करा रहे हैं। इस करके मैं आ जी सरकार है अपन कमियां लुकाते लगी है, ठगी मार ली। साह प्रकाश सिंह जी बादल एक ऐसे इंसान है उन्होंने एक असूल से उन्होंने सियासत की है कि जो वादा करना है वो पूरा करना है।